कोतवाली थाना क्षेत्र स्थित नॉर्मल स्टैंड के पास 28 अक्टूबर को 65,000 की टप्पेबाजी करने वाले एक अभियुक्त को कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। पुलिस लाइन के व्हाइट हाउस सभागार में घटना का खुलासा करते हुए एसपी सिटी सोनम कुमार ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर नगर निगम गेट के पास से एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, जिसकी पहचान रघुवीर कुमार पुत्र तिलक कुमार निवासी लाल डिग्गी पार्क हरिजन बस्ती पुरानी जेल थाना राजघाट के रूप में हुई है, जिसके पास से टप्पेबाजी का 1700 रुपए नगद बरामद किया गया है। एसपी सिटी ने बताया कि गिरफ्तार अभियुक्त ने 28 अक्टूबर को एक व्यक्ति से नॉर्मल पर 65,000 की टप्पेबाजी की घटना को अंजाम दिया था। घटना में शामिल दो अभियुक्त अभी भी पुलिस की गिरफ्त से दूर हैं। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में कोतवाली थाना प्रभारी कल्याण सिंह सागर, उप निरीक्षक दया शंकर यादव, कांस्टेबल दुर्गेश सिंह, शिवम राय सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी सिटी सोनम कुमार ने कहा, पिछले बृहस्पतिवार को एक टप्पेबाजी घटना हुई थी कोतवाली कार्य क्षेत्र में, वहाँ पर नॉर्मल तिराहे के पास भारत पेट्रोल में वहाँ पर टप्पेबाजी की गई थी। उसको मुखबिर की सूचना पे हमने गिरफ्तार किया है। इसमें कांस्टेबल देवेंद्र यादव है थाना राजघाट, इनका बड़ा ही योगदान रहा है। तो ये जो है मुकदमा अपराध संख्या 240/21 धारा 406 420 411 पंजीकृत किया गया है। ये व्यक्ति पहले भी वांछित चल रहा था 169/21 धारा 379 और 411 का मुकदमे से पंजीकृत था और इसको गिरफ्तार किया गया है शास्त्री चौराहे के पास से। आज 12:30 बजे गिरफ्तार किया गया। इसके और भी साथी थे, उनकी तलाश कर रही है पुलिस और इसके पहले भी आपराधिक इतिहास रहा है, ये वांछित चल रहा था और इसको गिरफ्तार कर लिया गया। इसका नाम है रघुवीर कुमार और ये जो है वैसे तो नगर निगम में बता रहे कि पहले सफाई कर्मचारी के पद पर कुछ कार्य करता था, परंतु कोरोना के टाइम पर इसकी नौकरी चली गई और फिर इसने इस तरह की घटनाओं को करना प्रारंभ कर दिया। उसके बाद देखिए वादी ने ये बताया है कि 65,000 रुपये उसके गए थे, तो अभी एक को हमने गिरफ्तार किया है, इसका जो हिस्सा था वो उसको मिला है। पर इसमें एक बात ये भी खुल के आई है कि जो वादी था वो उसने स्वयं इसे 500 रुपये बतौर पुरस्कार भी दिया था। जब ये उसके साथ बैठा था ऑटो में तो उसमें जिसको हमने गिरफ्तार किया इसने ये बताया कि वादी भी जो उसने लालच में आकर के जो है वो फंसा है, स्वयं इसमें टप्पेबाजी घटना में फंसा है और 500 रुपये उसने इसे पुरस्कार भी दिए। तो इसमें वादी की भी गलती है और मेरा ये जनता से अनुरोध रहेगा कि इस तरह की जो घटनाएं होती हैं इसमें कई बार जो है जनता की भी गलती रहती है, क्योंकि लालच में आकर के वो ऐसे सिचुएशन में खुद ही फंस जाते हैं। तो ये सीख लेने को मिलती है इस घटना को।